अरविंद ने वहां दो काले मारे राहुल के गंदी गंदी गाय गई है। कोई बात ना तो ठाड़े रह गए यार, जैसे कि ठाड़े कहाँ है हम तो उनको साले तो ऑपरेशन मार दूंगा, अभी तो मार दे मरूंगा मैं तो मार दे। तो ना दरोगा जी ने तो कुछ ना कही, जब प्रश्न करी का दरोगा जी तो कुछ ना कही। मर्डर हुआ है पुलिस के सामने थाना पिसावा के गांव दमुआ का में कल रात को दरोगा जी कृष्ण कुमार सिंह उनके साथ में एक जसवीर सिंह कांस्टेबल थे, दोनों गए। एक दो दिन पहले कोई आगजनी घटना हुई होगी, उसकी जांच के लिए गए तो उन्होंने जो ये बंदा राहुल मरा है उसके घर पर जाके आवाज दी है। आवाज देने के बाद में किवाड़ नहीं खुली है, किवाड़ में लात मार के बाबू टूटी हैं, महिलाओं को गाली दी है और जो घर में सदस्यों को खींच के लाए हैं। खींच के लाकर जब ये इतना दरोगा जी कहा है, उसके बाद में जिसने ये मर्डर किया है जो गांव का प्रधान है, नाम अरविंद है, उसने भी उनके संग बदतमीज गलत व्यवहार किया है। जिनमें हाथापाई हो गई तो उसका जो देसी हथियार था वो दरोगा जी के सामने निकल गया, उसने उठाया फिर अपनी जेब में अंडी में लगा लिया। लेकिन दरोगा जी ने ये कुछ नहीं किया, उसको अरेस्ट कर लें, उसके हथियार को जब्त कर लें और दरोगा जी दोनों को शांत करके उनके परिवार के लोगों से बात करने लगे। इतनी देर में हथियार निकाला और लाहौल को जिसकी उम्र 18 वर्ष उसको गोली मार दी। दरोगा जी के सामने पुलिस के सामने ये मर्डर हुआ। मर्डर जो हुआ क्या कारण निकल गया, जो मर्डर हुआ वो कारण क्या निकल गया? कारण कुछ नहीं है, जो अरविंद बदामना है ये तमाम किस्म का व्यक्ति है, इसने ऑलरेडी पहली छापा मर्डर कर दिया है और उसने जब उसके से मारपीट की है तो उसने धक्का दे दिया होगा। अब धमक किस्म का उसे अच्छा नहीं लगा, उसने धक्का दे दिया। चुनाव का ही मामला है, पुलिस के सामने मर्डर हो जाता है तो कार्रवाई कौन करेगा? नहीं ये तो बहुत, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? पुलिस के सामने मर्डर हो रहे हैं, जब पुलिस से अपने पास ऐसे माफियाओं को बैठा देगी, चाय पिलाएगी, तो ऐसे माफियाओं की हिम्मत तो बढ़नी बननी है। ऑलरेडी 5 मर्डर कर चुका है और उसके कहने पर स्पेशली उसके घर में जाके पुलिस जाती है, किवाड़ों को तोड़ती है, महिलाओं को ढकेल निकाल के लाती, गाली गुप्ता करती है, परिवार के लोग रोकते हैं तो वो पुलिस वाले ऐसा व्यवहार करते हैं। जिसने मर्डर किया वो मौजूदा कौन प्रधान है? वो प्रधान है और पुराना अपराधी है, उस पर चापा मर्डर पहले से लगे हुए हैं। तो उसके बाद जो है वहाँ बैठे क्या हुआ? हुआ क्या, चोरी करके वहाँ जो आग लगाई थी तो वहाँ जांच करने गए थे, तो ये दो दो पार्टी पॉलिटिक्स का मामला था जो अरविंद प्रधान को इन लोगों ने वोट नहीं दिए थे। इस बात को लेके ये अरविंद प्रधान रास्ते में गुजर रहा होगा, इन्होंने कोई छीटा कसी कसी होगी। मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं तो निकल आया था जाँच करके, फिर बाद में लोगों ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पर कुछ जाना। जैसे उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई तो जो वो क्या उस पर कुछ जान सके, मैं जाँच करके चला आया था। कम से कम 20 मिनट बाद मुझे सूचना मिली, तब जो है मैं वहाँ पर मौके पर जो है और कोर्ट भेजा गया।